हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कुछ ऐसे लॉज के बारे में जानेंगे जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स जो है उसको समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जनरली ये जो लॉज हैं वो बुक्स में नहीं दिए रहते हैं, है ना, लेकिन ये जो लॉज है ये बहुत ही काम के हैं। कई बार हमें अगर ये पता नहीं हो तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए लॉज के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहला जो लॉ होता है बहुत ही सिंपल सा लॉ है, वो कहता है लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, है ना, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, ये है, ये लॉ देख सकते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि लाइट रे ऑलवेज ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट पाथ, जब तक कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ जाए, जब तक कोई मीडियम नहीं आ जाए, है ना, तब तक लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता है। तो ये जो है, ये फर्स्ट लॉ जो है वो कहता है ना, जिसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कहता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट पाथ, ऑन स्ट्रेट पाथ इन अ होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम का क्या मतलब हुआ, है ना, होमोजीनियस मीडियम का मतलब हुआ ऐसा मीडियम जिसकी कोई भी प्रॉपर्टी वो किसी भी डायरेक्शन में जाने पर चेंज नहीं हो रही, ठीक है, मतलब जो है हर डायरेक्शन में, चाहे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, चाहे उसका डेंसिटी हो, सब जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो लाइट जो है स्ट्रेट पाथ पर चलता रहेगा। लाइट रे रिफ्लेक्ट तब होता है जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब कोई दूसरा मीडियम है, ठीक है, और लाइट रे बेंड कब होता है, जब कोई दूसरा मीडियम आ जाए, है ना, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो जाता है या लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है तो वो बेंड हो जाता है ना। तो होमोजीनियस मीडियम का मतलब है ऐसा मीडियम जिसकी कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे डेंसिटी हो, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, है ना, वो चेंज नहीं हो रहा हो तो लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता रहेगा, ठीक। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज, है ना, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि अगर दो लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, है ना, ये कहता है लाइट रेज डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर, डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर व्हेन दे इंटरसेक्ट। मतलब ये है कि अगर दो लाइट है, जैसे एक जा रहा हो ऐसे, दूसरा जा रहा हो ऐसे, जब ये बीच में टकराते हैं तो टकराने के बाद एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, है ना, मतलब वो खुद भी डेविएट नहीं होते हैं। जैसे ये आया है इधर से तो ये सीधा निकल जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा टकराने से, और ये जो ऐसे जा रहा था वो भी सीधा निकल जाएगा टकराने के बाद भी, है ना, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो लॉ है वो ये कहता है, क्या कहता है कि दो लाइट रेज जब इंटरसेक्ट करते हैं, कहीं पर मिलते हैं, तो एक दूसरे को जो है डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उनके पाथ को जो है ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते हैं, दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है जो दूसरा लॉ है वो वाला। इसके बाद आते हैं तीसरा लॉ पर। तीसरा जो लॉ है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये कहता है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेस, है ना, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है और अगर उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो वो अपने पाथ को रीट्रेस करने लगता है ना। जैसे सपोज ये लाइट रे जा रहा है और यहाँ पर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया, है ना, तो ये क्या होगा, ये ऐसे
रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरह से, ऐसे है ना। यहाँ पर सपोज फिर से कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया, तो ये यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर कोई ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि बिल्कुल उस लाइट रे के परपेंडिकुलर, तो क्या करेगा, ये उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। क्योंकि ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है तो परपेंडिकुलर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट होने का मतलब वापस उसी पाथ पर चलने लगेगा जिस पाथ से वो आया था। तो जब इसका पाथ जो है, या कहें इसका जो डायरेक्शन है, यहाँ पर रिवर्स हो गया। जब रिवर्स हो जाता है तो अपने पुराने पाथ को ये फॉलो करने लगता है, रिट्रेस करने लगता है, ठीक है। ये तीसरा लॉ कहता है, क्या कहता है, कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज रिवर्स्ड इट रिट्रेसेज इट्स पाथ, है ना। तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ व्हेन इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, है ना। तो जब जब उसका डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स कर देंगे तो अपने पाथ को रिट्रेस करने लगता है। ये तीन लॉज जो हैं वो आपको कहीं लिखे हुए नहीं दिखते, है ना, किसी बुक में दिखते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं, है ना। कई बार हमें ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पर परपेंडिकुलर लाइट रे आता है, और जब तक आप इस लॉ को अप्लाई नहीं करेंगे कि तो उसको पाथ को रिट्रेस करना है, तो आपके बहुत सारे डिफरेंट आंसर आएंगे, बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर, है ना। तो इसलिए ये तीनों जो लॉज हैं तो बहुत सिंपल ही लेकिन बहुत ही काम के हैं, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है।